So hi everyone and very good evening to all of you. Welcome back once again to the channel. So today, as you have seen the thumbnail, today we are going to talk about the syllabus of RBI Grade B examination. Now, why talking about syllabus is important? Because aisa mana jata hai, if you have understood the syllabus properly, if you have understood the syllabus properly, then half of the work is done. Agar aapko syllabus samajh mein aa gaya hai apne exam ka, तो आपका आधा काम हो चुका है. नाउ यू हैव टू जस्ट कवर इट. ठीक है, और ऑब्वियसली कवर करना भी एक बहुत बड़ा काम है, बट आइडेंटिफाइंग द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज आपको अगर पता ही नहीं है, इफ यू डू नॉट नो फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, देन ऑफकोर्स हाउ यू विल बी एबल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, राइट? सो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो लेट्स, एंड आज हम बात करेंगे फेज वन के सिलेबस की, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं दोनों की बात करूंगा तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो, एंड आई जस्ट डोंट वॉन्ट कि बहुत लंबी वीडियोज मैं आपके लिए लेके आऊं. तो टूडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेज वन सिलेबस. विल ट्राई टू डी कोड द सिलेबस ऑफ फेज वन, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फेज टू सिलेबस एज वेल. जैसे ही फेज टू सिलेबस की वीडियो बनेगी, मैं इस लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू गाइज कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. ऑलराइट, so let's talk about today's agenda, that is syllabus decoding of RBI grade B phase 1. First of all, you must be wondering why there is a need to decode the syllabus of phase 1. Hamare paas syllabus hai to sahi, hum dekh lenge. You have the syllabus. Actually in phase 1 you don't have the syllabus. Actually they have just mentioned in the notification that they are going to ask quantitative aptitude, reasoning, English and general awareness in the examination. They haven't provided any kind of syllabus for phase 1. In phase 2 they have provided the syllabus, but there also there is a need to decode that syllabus because you don't know. For example, if I talk about phase 2, unhone likh diya national income, unhone likh diya introduction to management. Now in introduction to management there are a lot of things that you can cover. So kahan tak karna hai, kitna karna hai, up to how much extent you have to cover that topic, from where you have to cover that topic, what all topics you have to cover, that needs to be decoded, right? And in the phase 1 they even haven't mentioned the syllabus at all. So aaj hum us syllabus ki baat karenge, and that is why there is a need to decode the syllabus, right? And I will be giving you the topics of quant, reasoning, English and GA based on the past year papers, based on my experiences, based on my past year previous experiences. जब मैं एस्पिरेंट था तब, और अब मैं जब टीचर हूं तब. ठीक है, तो मेरे पास करीब करीब जब से आरबीआई का पेपर शुरू हुआ है ना, तब से एक्सपीरियंस है मान के चलो. तो विद दैट एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू टेल यू दिस. नाउ सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. कहां से क्वेश्चन आते हैं? टॉप सिलेबस नोटिफिकेशन में तो सिलेबस है नहीं, सो व्हाट ऑल टॉपिक्स वी हैव टू कवर. इफ यू गो एंड रीड द नोटिफिकेशन, स्पेशली एनी काइंड, एनी फ्रेशर, एनी पर्सन, एनी कैंडिडेट हु इज गिविंग द एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको कैसे पता चलेगा कि क्वांट में क्या करना है या रीजनिंग में क्या करना है, राइट? सो लेट मी हेल्प यू. तो कौन कौन से टॉपिक है देखते हैं. नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग HCF एंड LCM. नंबर सिस्टम में आपके इसमें LCM और HCF वाले जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूडेड है. तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, आइदर सिंप्लीफिकेशन से दो तीन क्वेश्चन या फिर अप्रोक्सीमेशन से दो तीन क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. नंबर सीरीज का क्वेश्चन बहुत बार आता है. समटाइम्स दे आस्क मिसिंग नंबर सीरीज, समटाइम्स दे आस्क यू नो रॉन्ग नंबर सीरीज एज वेल. दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं. नंबर सीरीज में दोनों तरीके के आपको करने हैं, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, राइट? देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. एवरी ईयर दे आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड्रेटिक. परसेंटेज अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछ रहे हैं, देन यू हैव टू कवर दिस टॉपिक. व्हाई? बिकॉज़ इट्स कॉन्सेप्ट विल बी यूज इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम अदर टॉपिक, राइट? परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेशियो एंड प्रपोर्शन. रेशियो एंड प्रपोर्शन भी अगेन इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि आपको मदद करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम अदर टॉपिक. देन the next topic is average. Average again, consider it as a concept. It will help you in your concept building and solving the other questions. Aegis se bahut sare questions aate hain every year. Partnership se bahut sare questions aate hain every year. And yes, mixture and allegation. Mixture and allegation is guys one of the most important topic for quant
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द लेवल, इन सब की अगर मैं लेवल की बात करूंगा तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत ही हाई लेवल है आरबीआई ग्रेड बी का क्वांट का, सो वी नीड टू टैकल दैट एंड फॉर दैट आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट एवरी ईयर हमेशा आता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दीज आर द यू नो वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ द एग्जामिनर ऑफ आरबीआई ग्रेड बी। देन SINCA, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, फोर और फाइव क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी देयर इन योर 2024 एग्जामिनेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आना कंफर्म है, 100% है। तो आप मान के चलो कि चार पांच क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी लीक हो चुके हैं कि हाँ भाई DI के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ क्वांट। नाउ टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग, अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। अब रीजनिंग भी अगेन बहुत डिफिकल्ट आता है, ठीक है, 10-10 किलोमीटर लंबे पजल्स देते हैं वो लोग, राइट, और उस पर चार पांच क्वेश्चन होते हैं। सो पजल्स को सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट अनलेस आपकी कोई प्रैक्टिस है। अगर आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दी पजल्स, ठीक है। यू कांट डू कि आप डायरेक्टली एग्जाम में पहुंचे और पजल सॉल्व करने लग गए, होगा ही नहीं, मार्क माई वर्ड्स। सो लेट्स लुक एट दी, लेट्स डीकोड द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। एनालॉजी, एनालॉजी क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्लासिफिकेशन, राइट, अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। नाउ आई एम नॉट यू नो डीकोडिंग दीज टॉपिक्स बिकॉज इन टॉपिक्स को हम डीकोड करेंगे उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, सेपरेट वीडियो क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए और जीए के लिए, राइट। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नाउ कोडिंग डिकोडिंग अगेन इज अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड देर आर एंड नंबर यू नो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग दैट इज अवेलेबल इन द बुक्स, ठीक है। इनपुट आउटपुट, अगेन देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट, यू नीड टू कवर ऑल द टाइप्स। देन इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन तो आता ही आता है, नो वन कैन स्टॉप द एग्जामिनर्स ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फ्रॉम आस्किंग दिस, asking the questions from inequalities, right? इसके अलावा blood relations से काफी questions पूछे गए हैं पिछले सालों में, so blood relation is also one of the important topic. Direction and distance का एक या दो question पक्का होता है, sometimes they ask one question, sometimes they ask two or three question based on a certain information. एक बड़ा सा एक information दे देंगे आपको paragraph में regarding direction and distance, and then you have to solve it. ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है ये कहीं ना कहीं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट आर समवॉट रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद पजल्स आते ही आते हैं, अगर 60 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन पजल के होंगे, ठीक है। यू कैन सॉल्व दी पजल्स ओनली इफ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सिलोजिज्म का क्वेश्चन 100% आता है, देर आर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम वेयर दे आस्क क्वेश्चंस एवरी ईयर। डेटा सफिशियंसी, यस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेटा सफिशियंसी से क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ये दीज क्वेश्चन गाइज आर वेरी रिस्की टू सॉल्व बिकॉज वॉट इज राइट अकॉर्डिंग टू यू माइट नॉट बी राइट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, ठीक है। एंड ऑब्वियसली देर आर सर्टन लॉजिक्स टू सॉल्व सच क्वेश्चन एंड चेतन सर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द लाइव क्लासेस इन द कोर्स, तो वो आपको सारी चीजें बताएंगे, डोंट वरी। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस एंड स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन एंड लास्ट कॉज एंड इफेक्ट। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर फॉर द रीजनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस, एंड रीजनिंग से 60 क्वेश्चन आते हैं। सो इन 60 क्वेश्चन को करना है, अगर ऑब्वियसली यू कैन डू ऑल द 60 क्वेश्चन इन 45 मिनट्स, बट यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट वॉट ऑल यू हैव टू टारगेट वाइल यू आर सिटिंग बिफोर द कंप्यूटर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजी, नॉट टू मच डिफिकल्ट। इंग्लिश का पेपर भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। सो इंग्लिश में क्या क्या चीजें होती हैं, RC तो पक्का ही होता है, राइट, इट इज 100%। सम टॉपिक्स आर 100%, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि 100% पूछे ही जाते। देन एरर स्पॉटिंग, दिस इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 100%, ये आता ही आता है इंग्लिश में ना, ये सारे टॉपिक्स आते हैं हर साल, ठीक है। वन ऑफ दी एक आधा टॉपिक छूट सकता है, एवरी ईयर दे आस्क ऑल दीज टॉपिक्स, देर माइट बी सम ईयर दैट व्हेन दे स्किप एनी पर्टिकुलर टॉपिक, बट ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ऑल दीज टॉपिक्स। एरर स्पॉटिंग, दे विल गिव यू अ सेंटेंस, वन सेंटेंस और टू सेंटेंस, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द एरर।
that might be grammatical error, that might be spelling error, or that might be sentence based error as well. Sentence rearrangement, you will be giving, you will be provided with 6 sentences, then you need to rearrange all those sentences according to the meaningful paragraph. Sentence connectors, right? 2 sentences will be given and 2 or 3 connectors will be given, then you need to use either of the connectors to connect those sentences, right? Phrase identification, idioms and phrases, either they will be giving you the meaning of idioms and phrase and they'll ask you that which idiom is this, or they'll ask you what is the meaning of particular idiom or phrase. Close test, or you can say fill in the blanks. Word interchange problems, matlab ek word given hai, so which of the following word can replace this highlighted word, right? And last, sentence improvement or phrase replacement. So these are the topics of English that you have to cover for RBI grade B examination, right? और अब चलते हैं बिल्कुल महारथी टॉपिक पे, दैट इज जनरल अवेयरनेस, विच कंसिस्ट ऑफ 80 क्वेश्चंस, विच इज 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इन आरबीआई ग्रेड बी फेज 1. सो व्हाट ऑल यू हैव टू कवर, सोर्सेज वगैरह मैं नहीं बताने वाला, उसके लिए ऑल और वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियोज बनाई हुई है, प्लीज जाके देखो. नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, व्हाट डू आई मीन बाय नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, एनी मेजर इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल G20 समिट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कोई मेजर स्कीम लॉन्च होती है, राइट, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्टिकुलर इनिशिएटिव विच हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. देन इंटरनेशनल न्यूज, ऑल द समिट्स ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट, G20 समिट, G7 समिट, एवरीथिंग यू नीड टू कवर, राइट. स्टेट न्यूज में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू गो इन मच डिटेल इन स्टेट न्यूज, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द इनिशिएटिव, what that initiative is and which state has launched it, right? Government schemes, without this you won't be able to clear the examination, government schemes aapko karke jani hai. Defense news, what all you have to cover, any particular exercise which has been conducted, any particular missile which has been launched, any particular new initiative which has been launched with respect to defense, any new jo wo vessels launch karte hain, wo koi launch hua hai to wo. Reports and indices, very very important, of all the major organizations like OECD, World Economic Forum, IMF, World Bank, Asian Development Bank, sabki reports and indices aapko karke jani hai. 2023 mein 2 question descriptive se puche the inhone. Banking and economy, of course, all the initiatives which have been launched by the leading banks of the country like HDFC, ICICI, Yes Bank, SBI, Bank of India, Union Bank of India, ye sare. एंड इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी में जो भी अपडेट चल रहे हैं. GDP फोरकास्ट, एवरी ईयर ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, RBI, NSO ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इट्स बजट और इन द इकोनॉमिक सर्वे, दे गिव द GDP फोरकास्ट एंड यू नीड टू कवर फॉर इंडिया ओनली, राइट. अपॉइंटमेंट्स, एनी मेजर अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल MD एंड CEO ऑफ HDFC बैंक, MD, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमिश्नर कौन है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन. इंपॉर्टेंट डेज, कौन से दिन कौन सा डे आता है विद इट्स थीम ऑब्वियसली. अवार्ड्स, मेजर स्पोर्ट्स, एनुअल सर्वेस, व्हाट इज दिस, बजट इकोनॉमिक सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, राइट, ऑल इंडिया स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट, ACR रिपोर्ट, ये सारे एनुअल सर्वेस जो कि लॉन्च होते हैं एनुअली. एंड RBI की वेबसाइट पर जो भी रिलीजेस होती हैं, जो भी स्पीचेस होती हैं, वो सारी आपको कवर करनी है. एंड लास्ट, फाइनेंस करंट एज वेल. एंड दिस जनरल अवेयरनेस, इफ यू कवर ऑल दिस, इट विल हेल्प यू इन फेज 2 एज वेल, नॉट ओनली फेज 1. सो जनरल अवेयरनेस अब दोनों के लिए हो गया कंबाइन, फेज 1 एंड फेज 2, ठीक है. ऑलराइट गाइस, सो दिस वॉज इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड the syllabus of phase 1, and now that you have understood the syllabus, you should start preparing for the examination. Ab mat wait karo, this is the right time to start preparing for the RBI grade B examination. If you want to ask anything related to the exam, any confusion regarding syllabus or anything, you can call on this number 9999466225. All right,
So that's it. I will see you in some of the other video. Thank you so much. Goodbye. Take care and God bless.